नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर के एक खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग में घूमने की टॉप 7 जगहों के बारे में, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गुलमर्ग में घूमने की टॉप 7 जगहों के बारे में। नंबर 7, चिल्ड्रन पार्क। गुलमर्ग में स्थित यह पार्क बहुत ही सुंदर है, जो लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही शानदार पार्क है। और इस पार्क में आप जीप, तैरते बादल, कोनीफर्स, खिलौना ट्रेन आदि जैसे कई एडवेंचर चीज़ें आप यहां पर देख सकते हैं। और बच्चों के साथ साथ यहां पर आप किराए का टट्टू भी लेकर के घूम सकते हैं। और इस पार्क में प्रवेश शुल्क का चार्ज भी लगता है, जो सभी के लिए लगभग 20 से 25 रुपये है। नंबर 6, सेंट मैरी चर्च। गुलमर्ग के प्रमुख आकर्षणों में से एक यह चर्च भरे रंग की पत्थर की दीवारें और लकड़ी की ट्रिमिंग के साथ एक हरी छत है, जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी में विक्टोरियन शैली की वास्तु से बनाया गया है। और इस चर्च के आसपास हरे भरे घास के मैदान, ऊंचे अल्पाइन पेड़ों और ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और जंगलों के विशाल खंड इस चर्च की खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देती है, और इसी से टूरिस्ट यहां पर घूमने के लिए आते हैं। नंबर 5, महारानी टेंपल। गुलमर्ग के सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थलों में से एक यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 1915 में महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा बनवाया गया था, जहां पर लोग दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं और इस मंदिर के आसपास का नज़ारा भी देखते हैं। नंबर 4, अलपाथिर लेक। गुलमर्ग की पहाड़ियों के बीच में स्थित यह लेक शांतिप्रिय वातावरण के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि चट्टानी पहाड़ों और हरे भरे घास के मैदानों से घिरा हुआ यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बेहद ही शानदार जगह है। और यहाँ पर बर्फीली पगडंडियों के माध्यम से टट्टू की सवारी का भी आनंद आप ले सकते हैं। नंबर 3, खिलन मर्ग। गुलमर्ग के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से यह जगह ऊंची पहाड़ियों पर स्थित एक छोटी सी मनमोहक घाटी है, जो बेहद ही खूबसूरती से सजा और बर्फ से ढका हुआ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान, अल्पाइन जंगल और फूलों से लदी घाटियाँ मौजूद है, जिससे यह जगह और भी रोमांचक हो जाता है। और यहाँ आप बर्फीली एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं, जिसका आनंद लेने के लिए टूरिस्ट इस जगह को घूमना नहीं भूलते। नंबर 2, कोंग डोरी गोंडाला। गुलमर्ग के सबसे खूबसूरत जगहों में से यह जगह गोंडाला अपनी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। और यह कोंग डोरी गोंडाला दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरा केबल कार वाला जगह है, जिसे पर्यटकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि यह जगह अपनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य, शांत परिवेश के साथ साथ बर्फबारी के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें आप मोटर बाइक एक्टिविटीज, ड्यू राइडिंग और स्कीइंग आदि जैसे कई प्रकार के एक्टिविटीज भी आप यहां पे कर सकते हो। और अगर आप चाहे तो यहां केबल कार का मजा लेना चाहते तो उसका आने जाने का चार्ज भी लगभग 950 रुपये पर पर्सन होता है, और इस केबल कार में केवल 6 लोग को ही बैठाया जाता है। और दोस्तों इस केबल कार की बुकिंग आप www.jammukashmirkabelcar.com से ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। नंबर 1, गोल्फ कोर्स। गुलमर्ग में स्थित यह गोल्फ कोर्स भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स है, जो समुद्र तल से लगभग 8,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध यह जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए टूरिस्ट यहां पर घूमने आते हैं और इस जगह का भरपूर आनंद एक्टिविटीज के साथ उठाते हैं। दोस्तों इस वीडियो का भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।